understands in previous class we read about the comparative chart of the properties of solutions, suspensions and columns. I hope all of you have understood it clearly. Today we are going to repeat the columns. What are columns? A continuous solution whose solute particle size is between 10 to power minus 7 meter to 10 to power minus 9 meter or 1 nanometer to 100 nanometer is called a column. Column एक ऐसा heterogeneous solution है जिसके solute particle का size 10 to the power minus 7 meter से लेकर 10 to the power minus 9 meter होता है. देखिए हम solution के अंदर जो solute होते हैं they form its first case and solvent is also known as viscous medium. तो solute को हम viscous case कहते हैं, solvent को viscous medium कहते हैं. अब देखिए यहाँ पर क्वालिटी हमको काम आएगा. देखिए इसमें हमने देखा है कौन कौन से कोलाइड्स हैं. देखिए हमारे आसपास बहुत सारे कोलाइड्स होते हैं. देखिए जैसे हमारे पास सोप सॉल्यूशन होता है, रोक कोलाइड होता है, व्हील कोलाइड है, पदार्थ कोलाइड है, जैसे मसोल के सभी कोलाइड्स होते हैं. देखिए व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स. नंबर वन, ईच पार्टिकल साइज. कोलाइड का पार्टिकल साइज जो होता है वो वह सस्पेंशन और ट्रू सॉल्यूशन के बीच का होता है. कारण आपका है कि सस्पेंशन से इसका पार्टिकल छोटा होगा और ट्रू सॉल्यूशन से बड़ा होगा. देखिए इसका साइज पार्टिकल आपका है 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर और 10 टू पावर माइनस 7 मीटर टू 10 टू पावर माइनस 9 मीटर. ये पार्टिकल साइज है. नेक्स्ट देखिए फिल्टर एबिलिटी. कोई भी अगर कोलाइडल सॉल्यूशन है अगर उसको हम फिल्टर करेंगे तो फिल्टर पेपर से पास हो जाएगा. जैसे व्हील को या बलन को अगर हम फिल्टर करते हैं तो ये पास थ्रू फिल्टर पेपर बट नॉट थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन. ये एनिमल मेम्ब्रेन से पास नहीं करते हैं बल्कि फिल्टर पेपर से पास कर जाते हैं. नेक्स्ट देखते हैं सेटलिंग डाउन ऑफ पार्टिकल्स. अब कहता है कि अगर हम उसको लंबे समय तक छोड़ दें सॉल्यूशन को, हमारा जो कोलाइडल सॉल्यूशन है उसको हम लंबे समय तक छोड़ दें तब क्या होगा भाई. सेटलिंग डाउन ऑफ पार्टिकल्स करने का मतलब है उसके पार्टिकल सेटल करते हैं. क्योंकि यहां पर कहा है सेटल स्लोली बाय सेंट्रीफ्यूगेशन. सेंट्रीफ्यूगेशन करने पर क्या होगा, अलग होता है इसके पार्टिकल्स. अब देखिए हैविंग इन नेचर कोलाइडल पार्टिकल्स सीम्स टू बी होमोजेनियस. लगता है कितने में होमोजेनियस होता है लेकिन ये भी होमोजेनियस नहीं होता बल्कि वह एक हेटेरोजेनियस सॉल्यूशन है. नेक्स्ट देखेंगे ब्रोनियन मूवमेंट. ब्रोनियन मूवमेंट हमने बताया था द चेंज इन मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड इज नोन एज ब्रोनियन मूवमेंट. देखिएगा अगर हम कोई बटर में कोलाइड्स दे देते हैं तो जो पार्टिकल देखिएगा इकट्ठा होते आते हैं. तो देखिएगा कि हम लोग अगर पानी में देते हैं तो पानी में पार्टिकल जो होते हैं अगर मूव करते हुए दिखाई देते हैं. तो यहाँ पर देखेंगे ये ब्रोनियन मूवमेंट शो करता है. कोलाइड पार्टिकल्स ब्रोनियन मूवमेंट जो शो करते हैं इसका मतलब कोलाइड के अंदर में ऐसे पार्टिकल्स जो है जिग मोशन करते हुए दिखाई देते हैं. नेक्स्ट है पीटर इफेक्ट. पीटर इफेक्ट क्या है तो यहाँ कहता है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट और स्कैटरिंग अबीम ऑफ लाइट व्हेन दे पास थ्रू कोलाइडल सॉल्यूशन देन दिस इज नोन एज पीटर इफेक्ट. तो देखिएगा हम क्या करते हैं कि एक बर्तन में कोलाइड देते हैं मतलब एक बर्तन में दूध ले और दूध ले करके एक तरफ से क्या करें कि हम टॉर्च का जो है फोकस मारेंगे तो जो टॉर्च का जो बीम जो जा रहा है लाइट का वो जो है आपके कोलाइडल सॉल्यूशन जो दूध साफ दिखाई देगा कि जा रहा है उसका एकदम स्पेस दिखाई देगा लेकिन ट्रू सॉल्यूशन ऐसा नहीं होगा कि उस तरफ भी लाइट दिखाई देगा लेकिन सॉल्यूशन के अंदर भी जो है उसके अंदर भी उसका जो है पाथ बिल्कुल अस्पष्ट दिखाई देगा. सो इट शोज ए पीटर इफेक्ट एंड नेक्स्ट इज डिफ्यूजन. कोलाइडर सॉल्यूशन ऑफ कोलाइडर पार्टिकल्स डिफ्यूज स्लोली सो दे आर द
colloidal solutions. Next, we will read about